नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हो आप सब? होप गाइस सारे बढ़िया होंगे। मैं आलिया एक बार फिर स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल ट्राई सिटी हाउस में। दोस्तों आज हम आए चंडीगढ़ दिल्ली हाईवे पे डेरा बसी में आपके लिए बहुत ही प्यारी रेडी टू मूव सोसाइटी में रेडी टू मूव फ्लैट लेकर प्रॉपर हाईवे पे दोस्तों आपको ये सोसाइटी मिलने वाली है। 6.3 एकड़ की ये सोसाइटी रहेगी। सारी अमेनिटीज मिल रही है आपको। क्लब हाउस हमारा ऑलरेडी रेडी है। बेसमेंट में आपको यहाँ पे पार्किंग मिल रही है। G+6 और G+12 का यहाँ पे कंसेप्ट है। दो फेसेस में ये सोसाइटी जो है डिवाइडेड है। फर्स्ट फेस है जो उसमें 2 BHK सोल्ड है, 3 BHK की कुछ लिमिटेड सी इन्वेंट्री है और सेकंड फेस हमारा जल्द ही आने वाला है। और इस जो सोसाइटी की मैं खास बात बता दूँ आपको, ये 45 दिन में है जो पोजेशन दे देते, बिल्कुल रेडी टू मूव सोसाइटी। कोई आपने वेट नहीं करना, 6 महीने साल का साथ के साथ आपको दोस्तों यहाँ पे जो है आपको पोजेशन मिल जाएंगी। सारी आपको एमिनिटीज मिल रही, 20+ एमिनिटीज जो है इस प्रोजेक्ट में दोस्तों आपको मिल रही है। और हर एक फ्लैट है जो कॉर्नर रहेगा फुली वेंटिलेटेड रहेगा। दोस्तों क्लब हाउस में आपको सारी अमेनिटीज मिल रही 20+, जैसे कैफेटेरिया हो गया, जिम हो गया, टेक्नो गार्ड की हम यहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी की जो है जिम दे रहे हैं और बहुत ही बढ़िया जिम दे रहे हैं। 2 एकड़ का पार्क आपको मिल रहा है पूरी सोसाइटी में, मतलब लाइक बहुत सारी मैंने सोसाइटीज आपको दिखाई होंगी, 2 एकड़ का पार्क आपको कहीं नहीं मिलेगा। सारी इंडोर्स गेम्स आपको मिल रही हैं, बैंकेट हॉल आपको मिल रहा है, कॉफ़ी कैफेटेरिया एरिया मिल रहा है और भी बहुत सारी अमेनिटीज मिल रही है। कुछ शॉर्ट्स जो है मैं पीछे लगा दूंगी, आप देख लेना कि क्या क्या हम यहाँ पे जो है आपको अमेनिटीज दे रहे हैं। अब चलते हैं हम सैम्पल फ्लैट की तरफ। आइए। सो गाइज, आगे हम सैम्पल फ्लैट में इसका जो साइज़ रहेगा वो रहेगा 1737 स्क्वायर फीट का। मैं टावर टू टावर आपको गैप बता दूँ, 18 फीट का आपको गैप मिलने वाला। फुली वेंटिलेटेड आपको जो है यहाँ पे फ्लैट्स मिलने वाले। हर एक फ्लैट है जो वो कॉर्नर रहेगा। और इसका लेआउट मैं आपको बता दूँ, बहुत ही प्यारा दोस्तों आपको यहाँ पे लेआउट मिलने वाला। लाइक आपको आपका जो है लिविंग एरिया तो आपको मिल ही रहा है और आपको अलग से एक फैमिली लॉन्च एरिया भी दोस्तों यहाँ पे मिलने वाला है। सबसे पहले अभी हम खड़े हैं लिविंग एरिया में। देखिए सोफा लगाने के बाद भी बहुत ही स्पेस आपको मिल रही है, लाइक वॉक करने के लिए इस साइड भी काफी अच्छी आपको स्पेस मिल रही है। ऊपर फॉल सीलिंग आ गई विद LED लाइट्स, बहुत ही प्यारा झूमर जहाँ पे लगाया गया है। इस साइड हमने पेंटिंग लगा रखी है। लाइक ये सैम्पल फ्लैट है बट दोस्तों जो आपको मिलेगा वो मिलेगा सेमी फर्निश। और मैं एक बहुत ही बढ़िया चीज़ बता दूँ इस फ्लैट की, ये देखिए बहुत ही स्पेशियस जो है आपको बालकनी मिलने वाली है। ऐसा फील बिल्कुल आपको जो है अपने इंडिपेंडेंट हाउस में आएगा जहाँ पे हम बड़ी बालकनी रखते हैं, बट यहाँ पे फ्लैट्स में जो है आपको बहुत ही स्पेशियस जो है बालकनी मिल रही है। एक पाउडर रूम आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, 3 बेडरूम 3 वॉशरूम प्लस एक्स्ट्रा एक आपको पाउडर रूम भी मिल रहा है। जैसे घर में आपके दोस्त वगैरह आ जाते हैं, गेस्ट वगैरह आ जाते हैं तो उनके लिए भी प्रॉपर प्राइवेसी रहेगी। और ऊपर देखो, ये हमारा ग्राउंड फ्लोर वाला फ्लैट है और ये ऊपर जो है हमारा फर्स्ट फ्लोर वाला आ जाएगा। हमने प्रॉपर प्लांटेशन वगैरह लगा के रेडी किया हुआ है। और ये हमारा जो बालकनी है किड्स रूम के साथ जो है अटैच रहेगी दोस्तों। और बालकनी देखिए कितनी प्यारी यहाँ पे आपको मिल रही है, लाइक ट्राइंगुलर शेप में जो है आपको यहाँ पे बालकनी मिलने वाली है। प्रॉपर गैस पाइपलाइन हम यहाँ पे आपको जो है लगा के दे रहे हैं। इंस्टॉलेशन की जो भी फीस होगी वो ऑन जब हमारे हम अपना फ्लैट बुक करेंगे वो सारा हम डिस्कस कर लेंगे पेमेंट वगैरह के बारे में। सो दोस्तों ये थी हमारी अटैच बालकनी, ये आ गया हमारा लिविंग एरिया। इसके साथ ही आपको मिल रहा है डाइनिंग एरिया, वो भी बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस। हमने तो चलो 6 सीटर जो है यहाँ पे चेयर्स लगा रखे हैं बट आप 8 सीटर तक जो है डाइनिंग यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। इवन 10 सीटर तक आप डाइनिंग यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। इस साइड हमने बहुत ही प्यारा जो है पैनल लगा रखा है, आपका लुकिंग ग्लास आ गया इस तरफ और वॉल्स पे बहुत प्यारी सीनरी मिल रही है। बिल्कुल राइट साइड मेरे आगे किचन, किचन आपको बहुत ही प्यारी मिल रही है दोस्तों। देखा होगा आपने बड़ी बड़ी कोठियों में आपको ऐसी किचन मिलेगी। देखो यू शेप की फुली मॉड्यूलर किचन और ओपन सिस्टम, जैसे ओपन किचन होती है सामने बिल्कुल जो है आपका फैमिली लॉन्च एरिया आ जाता है। आपको फ्लैट में ये फील मिलने वाला है, लाइक इस साइड किचन आ गई, सामने आपको डाइनिंग मिल रहा है, इस साइड भी आपको फैमिली लॉन्च एरिया मिल रहा है। लाइक अगर आपके घर में कोई गेस्ट वगैरह आ जाता है वो लॉबी एरिया में या लिविंग एरिया में बैठा हुआ है, आपकी प्राइवेसी हर्ट ना हो तो आप लाइक यहाँ पे बैठ के अपना खाना वगैरह इंजॉय कर सकते हैं। अब मैं किचन के बारे में थोड़ा आपको बता दूँ, जैगुआर की यहाँ पे हम टैप्स दे रहे हैं, डबल बॉल सिंक रहेगी वो भी साउंड प्रूफ रहेगी। ये देखिए सारी फिटिंग जो है आपको सॉफ्ट क्लोजर दोस्तों यहाँ पे मिल रही है। चिमनी और जो गैस पाइपलाइन का प्रोविजर है वो हम आपको करके देंगे। ओपन ब्रेकफास्ट टेबल आपको इस साइड मिल रहा है, लाइक यहाँ पे अपने हमने 3 चेयर्स लगा रखी है, आपको आइडिया मिल जाएगा हाउ टू डेकोरेट योर फ्लैट, है ना, एक आइडिया मिल गया इस साइड। और इस साइड नीचे कैबिनेट्स की बहुत अच्छी यूज स्पेस आपको मिल रही है। प्रॉपर इस साइड जो है रेफ्रिजरेटर की हमने स्पेस दे रखी है। सो दोस्तों ये आ जाती है हमारी किचन, किचन के साथ ही इस साइड जो है हमने एक आपको पैनल दे रखा है, क्रॉकरी पैनल, लाइक आपने कोई भी सामान क्रॉकरी वगैरह रखनी हो आप वो रख सकते हैं। आइए अब लेफ्ट एरिया वाली साइड हम चलते हैं।
अभी मैंने आपको किचन से शो करवाया था फैमिली लॉन्ज एरिया, जो बहुत प्यारा तरीके से जो है डिजाइन किया गया है, और वॉल पे बहुत ही प्यारी आपको डिजाइनिंग यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ऊपर फॉल्सलिंग की हुई है विद LED लाइट्स। इस साइड जो है टीवी पैनल की स्पेस बना रखी है हमने। आप चलते किड्स बेडरूम की तरफ दोस्तों। किड्स बेडरूम भी बहुत अच्छे तरीके से जो है डिजाइन किया गया है। यहाँ पे प्रॉपर एक छोटी सी बच्चों के लिए बेडिंग की हुई है। इस साइड स्टडी टेबल आ गया हमारा, ये कपबोर्ड्स आ गए। इस साइड जो है हमारे टॉयज वगैरह आ गए जो हमने डेकोर किया हुआ है। प्रॉपर AC की वायरिंग आपको दोस्तों यहाँ पे मिलने वाली है विद अटैच वॉशरूम। ये देखिए वॉशरूम भी काफी स्पेशियस आपको मिल रहा है। वॉल हैंगिंग सीट्स मिल रही है। प्रॉपर गीजर वगैरह के यहाँ पे प्रोविजन दे रखे आपने जस्ट आके इंस्टॉल करने। हिंदवेयर की वॉशरूम में जो है आपको फिटिंग दोस्तों मिल रही है। इवन जो बच्चों वाला जो रूम है उसके साथ भी आपको अटैच बालकनी मिल रही है। मैंने स्टार्टिंग में आपको शो भी करवाई थी, दैट इज योर अटैच बालकनी वॉल, सॉरी UPVC विंडो मिल रही है जो रहेगी साउंड प्रूफ। सो दोस्तों ये था हमारा किड्स बेडरूम। अब चलते हैं हम सेकेंड बेडरूम की तरफ। ये आ जाएगा हमारा सेकंड बेडरूम। देखिए कितनी ज़्यादा स्पेस आपको मिले। इवन बेड लगाने के बाद स्पेस देखिए आप कितनी प्यारे तरीके से जो है डिज़ाइन किया। और आपको यहाँ पे ना इस तरह से फ्लैट डिज़ाइन किया है, पूरा रॉयल फील आपको मिलने वाला है। ये कबोर्ड्स देखिए बहुत ही प्यारी कबोर्ड्स यहाँ पे हमने लगा रखी है सिंपल फ्लैट में। अटैच आपको यहाँ पे भी दोस्तों बालकनी मिल रही है, ये देखिए। और आपके फ्लैट से अगर आप इस साइड वाले बालकनी में रहेंगे तो आपको प्रॉपर जो है हाईवे शो होएगा प्रॉपर। आप चलते हैं अटैच वॉशरूम की तरफ। ये आ गया अटैच वॉशरूम, प्रॉपर वैनिटी लगा रखी, हिंदवेयर की फिटिंग आ गई, वॉल हैंगिंग सीट्स आ गई। सो दोस्तों ये था हमारा सेकंड बेडरूम। लेआउट लिटरली मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया यार, कि कितने अच्छे तरीके से जो है इस घर को डिज़ाइन किया गया है। ये आ गया हमारा थर्ड बेडरूम, ये देखिए ये थर्ड बेडरूम है। प्रॉपर बेडिंग करके स्पेस बहुत ज़्यादा यहाँ पर भी आपको बच रही है। अटैच आपको यहाँ पर भी वेंटिलेशन मिल रही है। वाओ ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगी मुझे। फ्रंट में तो आपको बालकनी मिल रही है, ग्राउंड फ्लोर वालों को बहुत ही ज़्यादा फायदा है इस चीज़ का, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर अगर कोई लेता है उसको बहुत ह्यूज बालकनी मिल रही है। इवन फर्स्ट फ्लोर पे तो चलो आपको मिल ही रही है, बट ग्राउंड फ्लोर वालों को यहाँ पे बहुत ही बढ़िया जो है बालकनी मिल रही है। ये अटैच आपको वॉशरूम मिल रहा है दोस्तों, ये देखिए वॉशरूम भी स्पेशियस मिल रहा है आपको यहाँ पे। और प्रॉपर जो है इस साइड ड्रेसिंग एरिया आ गया आपका, और ये आगे आपको वार्डरोब्स, आपकी वार्डरोब्स। बाकी दोस्तों ये था सैम्पल फ्लैट। मैं क्लब हाउस के भी कुछ शॉट्स है जो इस वीडियो में लगा दूंगी। सारी अमेनिटीज आपको मिल रही, 20+ अमेनिटीज मिल रही है, और फुली वेंटिलेटेड आपको जो है यहाँ पे दोस्तों फ्लैट्स मिल रहे हैं। बाकी बिल्कुल बैंग ऑन हाईवे दिल्ली वालों के लिए, मुंबई वालों के लिए, इवन जो जीरकपुर से आ रहा है, अम्बाला से आ रहा है, उनके लिए बहुत ही बढ़िया ये इन्वेंट्री है। बिल्कुल हाईवे पे आपने, जैसे अगर अम्बाला से आना, अम्बाला वाली बस पे बैठे बिल्कुल हाईवे पे आपने उतरना, और बिल्कुल साथ ही जो है आपके फ्लैट्स आ जाएंगे। बेसमेंट में आपको सारी पार्किंग मिल रही है, पार्किंग का कोई भी इशू नहीं है, और बेसमेंट बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने जो है डिज़ाइन किया। जैसे हमने एंटर किया सोसाइटी के अंदर, हमें लिटरली बहुत ही अच्छा लगा। जैसे हम कई सोसाइटीज़ में देखते हैं बाहर हॉटस्पॉट सी पार्किंग लगी होती है, बिल्कुल अच्छी नहीं दिखती, सोसाइटी अच्छी होती है बट पार्किंग का बहुत इशू होता है। बट यहाँ पे आपको कोई भी इशू नहीं मिलने वाला, क्योंकि जो आपके व्हीकल्स हैं प्रॉपर हाइड हो जाएंगे नीचे बेसमेंट में, और जो है आगे ऊपर आपकी सोसाइटी आ जाएगी। G+6 और G+12 की ये सोसाइटी रहेगी। फर्स्ट जो फेस है मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया वो ऑलमोस्ट सोल्ड है। सेकेंड फेस हम अपकमिंग हमारा आने वाला है। और खास बात बिल्डर की ये है कि ये ना जब तक आपका लोन पीरियड होता है, लोन पीरियड में ही ये आपको जो है पोजीशन रेडी कर देते, बिल्कुल रेडी टू मूव जो है हमारे फ्लैट्स रहेंगे, रेडी टू मूव ऑलमोस्ट पूरी सोसाइटी है। तो गाइस दिल्ली वालों के लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। अगर आप बाय करना चाहते हैं यहाँ पे फ्लैट, अपना ड्रीम होम बनाना चाहते हैं, तो ये सोसाइटी और ये फ्लैट्स बिल्कुल आपके लिए बने हैं। मैं बिल्डर का नंबर है जो नीचे मेंशन कर रही हूँ, आप उस नंबर पे जाके अपनी क्वेरीज है जो फुलफिल कर सकते हैं, और साइट विजिट है जो वो प्लान कर सकते हैं। मैं आलिया शर्मा मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।